रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त काशिफ हुसैन अंसारी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ दिन हो गए हैं जी, मुझे कॉल्स आ रही हैं, बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि भाई हमें ब्रीडर जोड़े चाहिए और हमें ऐसे बर्ड्स, मीन्स के हर एक का यही माइंड होता है कि भाई पेयर मेरे पास आए और वो 10-15 दिन में मेरे घर पे आके वो बच्चे निकाले, अंडे दे, बच्चे निकालना शुरू कर दे। मगर ये गलत फहमी हो जाती है कि हम पैसे दे के चीज़ तो ख़रीद लेते हैं मगर वो हमें जो हमने सोचा होता वो पूरा नहीं होता। जिस बंदे ने 4 माह बच्चों को पाला, बड़ा किया, वो जब अंडे बच्चे आने के लिए पेयर स्टार्ट हो गया, उनकी एज पूरी होगी, तो वो क्यों सेल करेगा? ये एक छोटी सी बात है मगर ये समझता नहीं है कोई, हर एक को ब्रीडर जोड़ा चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी दोस्तों को कि भाई मेरे सेटअप पे तकरीबन ये 25-30 जो जोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, मैं नहीं सेल करता, मैं ब्रीडर जोड़े सेल नहीं करता। मेरे पास जो चिक्स निकल आते हैं बस वही सेल करता हूँ, ठीक है जी, और जो चिक्स निकल आते हैं वही सेल करता हूँ। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये मेरा शौक है, मेरे शौक के लिहाज से जो इसमें से बच्चे निकल आते हैं वो मैं इन्हीं का खर्चा पूरा करने के लिए और कुछ अपनी पॉकेट मनी पूरी करने के लिए इनके चिक्स सेल कर लेता हूँ, कि ना कि मैं अगर ये ब्रीडर जोड़े सेल कर दूंगा तो मैं कल को बच्चे कहाँ से सेल करूँगा, ठीक है जी। एक नंबर तो ये, दूसरे नंबर पे वो दोस्त जो मुझे कॉलें करते हैं कि भाई हमारी हमने पेयर्स लिए हैं और वो ब्रीड नहीं कर रहे। कुछ कॉल करते हैं कि भाई हमारे पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, वो जोड़े कैसे लगाने हैं हमने, ठीक है जी। एक नंबर, दूसरे नंबर पे कि जी हमारे पेयर्स ने अंडे दिए हैं उसमें बच्चे नहीं बनते। तीसरे नंबर पे भाई हमारे पेयर्स मादियाँ अंडे ही नहीं दे रही। चौथे नंबर पे हमारी मादियाँ ने अंडे दिए हैं मगर वो उनको छोटे छोटे बच्चे हैं वो पाल नहीं रहे, हम उन्हें कैसे हैंड फीड कराएं। ये छोटे छोटे रीज़न जो मेरे पास आ रहे हैं और उनसे मैं अगर पूछता हूँ कि भाई ये आपने जोड़े कहाँ से लिए हैं, बच्चे घर में पाले थे, जोड़े कैसे बनाए, तो उनका ये एक ही होता है, नहीं हमने ये ब्रीडर लिए हैं, हमने ये धड़वी से लिए हैं, हमने ये फलां दोस्त से लिए हैं। तो भाई जब ब्रीडर जोड़े लोगे तो वो आपको ऐसी चीज़ जो कि मेरे पास अच्छी ब्रीड कर रही है, मुझे हर माह 3-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार की रेंज तक मैं बच्चे अगर सेल करता हूँ तो वो मैं एक जोड़ा उठा के 8-10 हज़ार का क्यों सेल करूँगा? मुझे तो वो हर माह 8-10 हज़ार का मुनाफा दे रहा है, तो मैं एक ही दफ़ा में 10 हज़ार अपनी जेब में डालूंगा तो अगले महीने ये 10 हज़ार मुझे ये जोड़ा कहाँ से देगा? आपको समझ आ रही होगी मेरी बात की? तो भाईजान आप भी अपने माइंड से थोड़ा सा सोचें, समझें, उसके बाद परचेजिंग करें। किससे भी परचेजिंग करनी है, आपने शौक करना है तो लालच ना करें। ये मेरा एक शायद कड़वा लफ्ज़ होगा आपके लिए, लालच ना करें, बच्चे लें, उनकी ग्रोथ करें, शौक करें, इंजॉय करें। उनकी एज पूरी होगी तो आपके घर में एक यंग पेयर रेडी होगा, ना कि आपके घर एजड पेयर आए और बाद में आप कभी किसी को कॉल करेंगे ये ब्रीड नहीं कर रहा, कभी किसी को कॉल करेंगे मैं ऐसे कौन सी मेडिसिन दूँ, अलग से सर दर्द होती है, ठीक है, कि ये वो शौक नहीं पूरा होता, वो शौक वहीं फिनिश हो जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये एक मेरा मैसेज है सभी दोस्तों के लिए, अगर आप इस पर बिलीव करते हैं तो मेरा कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। और अभी मैं आपको कुछ अपने सेटअप्स की वीडियोस दिखाता हूँ। देखें जी, ये एक फोस्टर का पेयर अगर बच्चे पाल रहा है तो ये मेहनत है मेरी और आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, आप अपने बच्चे लें, किसी दोस्त से लें, मुझसे नहीं लें, किसी से भी लें, उनको पालें, उनकी जब आप ग्रोथ करेंगे अच्छे हो जाएंगे, ठीक है जी, तो वो ये वाला अगर मेरे पास डैनिश के बच्चे हैं तो ये तकरीबन 2 माह ही एज मेरे पास गुजारेंगे, किसी भी फैंसियर के पास गुजारेंगे, ठीक है जी, और उसके बाद वो आपके पास आने के 3 महीने बाद, ठीक है जी, 3 महीने के बाद तकरीबन 5 से 6 माह की एज होगी उनकी, और वो 6 माह की एज में ब्रीड स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी, और यंग पेयर होगा आपके पास। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने इसे कौन सी मेडिसिन देनी है, विटामिन कौन से देने, और बताता चलूँ अगर यंग पेयर है वो 1 साल 2 साल 1.5 साल तक उसे कोई विटामिन की ज़रूरत नहीं होती, माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव रहता है। सिर्फ ये है कि कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए
वीक में एक बार कोई मेडिसिन दे दी, अदरवाइज आपने उसे कोई मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है जी। वो यंग पेयर है आपका, आपने उसे कोई मेडिसिन नहीं देनी, कोई विटामिन नहीं देना, और वो आपके पास हेल्दी एक्टिव अच्छी ब्रीड करेगा, ठीक है जी। और वो अच्छे बच्चे आपके पास प्रोड्यूस होंगे। सिर्फ रीज़न ये होनी चाहिए आपके पास यंग पेयर होने चाहिए। अभी ये वाला पेयर मेरा तकरीबन इसकी 2 साल से अबव एज है। अब मुझे पता है इसे मैंने कैसे हैंडल करना है, कैसे इससे ब्रीड लेनी है, इसे मैंने वीकली कौन सी चीज़ देनी है, मंथली कौन सी चीज़ देनी है। अगर मैं ये उठा के किसी और बंदे को दे दूँ 10,000 का बेच लूँगा, ज़्यादा 12 का बेच लूँगा, 8 का बेच लूँगा। अगर मैं ऐसे देखा जाए तो ये तकरीबन इसी रेंज की मिल जाते हैं, 8-10 हज़ार की रेंज में ब्रीडर जोड़े मिल जाते हैं। मगर हम जो बच्चे सेल कर लेते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इन ब्रीडर्स को बेचें और ये अगले घर जाके ये ब्रीड ही ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे इसका दिल लगा हुआ है। अक्सर बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो ब्रीड के लिए रुक जाते हैं, तो वो फिर 2-3 माह बाद दोबारा जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अगले घर में उनका दिल लग जाता है, तो वो ब्रीड आती है उनकी, फिर वो ब्रीड करते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे हैं, आप इन बच्चों को कहीं भी ले जाएं, कहीं भी एडजस्ट कर लें, वो वहीं के हो जाएंगे और वो अच्छी ब्रीड करेंगे, ठीक है ना। कि आप बड़े पेयर्स लें वो बाद में आपके पास ब्रीड ही ना करें। और अक्सर ऐसे हैं कि ये अभी पेयर्स है, इसके पास 2 बच्चे हैं, मेरा ये पेयर ब्रीड ना करे तो मैं ये दड़वी में बेच दूंगा, क्योंकि मेरे पास दाने के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, पानी की मेडिसिन के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो मेरे लिए ये बोझ बन जाएगा, ठीक है। मेरे पास अगर ये खाने, मैं लाजमी कहूँगा कि भाई ये ब्रीड नहीं करा, मैं इसे निकाल दूँ और यहाँ पर एक नया बच्चों का पेयर रोक लूँ, और वो जल्दी 3 माह में रेडी हो जाएगा और ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी, कि ना कि ये खाली खड़ा दाना पानी खाए और चला जाए। यही ऐसे पेयर्स लोग दड़वी में बेच देते हैं, ठीक है जी। दड़वी में जब बेच दूंगा सस्ते दामों, क्योंकि उसमें गारंटी वारंटी मुझे देनी नहीं पड़ेगी वहाँ पे, तो मेरे पेयर्स नए आ जाएंगे इधर, तो वो पेयर कोई नया शौकीन ले जाएगा उठा के वहाँ से, और बेचारा फिर देखेगा कि भाई ब्रीड नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मैं कौन सी मेडिसिन दूँ और इससे मैं कैसे ब्रीड लूँ। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, कि आप इनसे शौक करें। ऐसे बच्चे रेडी हो रहे हैं, ये देखें नहीं, माशाल्लाह, ये जब रेडी हो जाएंगे, सेल्फ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो ब्रीड कराएं इनसे, शौक पूरा करें। बड़े पेयर्स आप ख़रीदेंगे तो भाई मेरा यही मशवरा है, किसी से भी ख़रीदें, बच्चे ख़रीदें, बड़े पेयर्स ना ख़रीदें, ठीक है जी। हाँ, कोई बहुत आपका करीबी दोस्त है, मजबूरी से सेल कर रहा है, उसके पूरा सेटअप सेल कर रहा है, तो फिर मुमकिन है कि उसके पेयर्स अच्छे हैं, वो चलें ब्रीड कर रहे हैं। मे बी वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि उसके पास 10 पेयर्स लगे हैं, एक आध ब्रीड कर रहा है, वो नहीं कर रहे ब्रीड, तो सारे का सारा पेयर्स सेटअप ही सेल कर देगा। तो ये रीज़न है भाई, बहुत छोटी छोटी आप शौक करें, बच्चों से स्टार्ट करें, ये नहीं कि शौक नहीं करें। इसमें प्रॉफिट भी है, इसमें लॉस भी है, ये जानदार चीज़ है, ये कोई मशीन से नहीं बनी हुई कि आप अपनी दुकान पर रखेंगे और कल को ये डबल हो जाएगी, ठीक है। जानदार चीज़ है भाई, उसी हिसाब से चलें, आप इंसान हैं, समझते नहीं हैं। दोस्त मुझे कॉल्स करते हैं, मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ आपको, मैं डेली पता नहीं कितने लोगों को हैंडल करता हूँ, और दोस्त मुझसे मशवरा लेते हैं, मैंने कभी किसी को बुरा मशवरा नहीं दिया, ठीक है। जो मेरे माइंड में मेरे ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे पास जो नॉलेज है, मैं सभी दोस्तों को कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे, वीडियोस में बताता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज की ये जो वीडियोस मेरी है वो पसंद आई होगी, और आप मेरी बातों से बुरा नहीं मनाएंगे। देखें, ये पेयर्स है, देखने वाले के लिए ये वाला फीमेल बिल्कुल वाइट है, मगर ये मेरे घर की है, मुझे पता है कि इसमें क्या है, ये वाइट है पर येलो थे, निकाल के इसने वाइट कर दिए, ठीक है जी, फुल वाइट नज़र आ रहे हैं आपको। ये ब्लैक मेल है साथ, बच्चे चेक करें, एक ब्लैक निकला, एक रेड निकला, ठीक है। अब इसमें से कल को क्या निकलेगा, ये जो ब्लैक और रेड को मैं अगर आपस में क्रॉस करूँगा इन 2 बच्चों को, तो मुझे येलो कलर लाजमी प्रोड्यूस होगा, येलो कलर और इंतहाई खूबसूरत
इसमें से इन बच्चों में से जो येलो बच्चा निकलेगा इंतहाई खूबसूरत निकलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी किसी का एक्सपीरियंस है तो वो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है जी। इस तरह वर्किंग करने से ही आपको अच्छी चीज़ प्रोड्यूस होती है, कि ना कि आप कहो कि भाई मुझे येलो टेल है तो येलो बहुत परफेक्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं है भाई। ये देखें, ये मेरे घर का पट्टा है, ठीक है, ये सिल्वर से निकला हुआ है फुल लाइट। अगर आप मेरे घर पे आके देखो तो ये सफ़ेद है, ठीक है जी। इसको मैंने ब्लैक के साथ लगाया, इसमें सिल्वर कलर प्रोड्यूस होता है। अभी एक ग्रे कलर प्रोड्यूस हुआ है, आज वो एक बंदे ने डील की है मुझसे, शायद लाहौर चले जाने हैं वो दो बच्चे, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है, वर्किंग करें और वर्किंग से आप बहुत अच्छे बर्ड्स बना सकते हैं। ये नहीं है कि आप को ब्रीडर चाहिए, ब्रीडर चाहिए, तो भाई मेरे पास ब्रीडर्स नहीं होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात कोई बुरी नहीं लगी होगी, अगर किसी ने पूरी वीडियोस देखी है तो। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।